नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 70 के दशक में जब देश तत्कालीन इंदिरा सरकार के तानाशाही रवैये की वजह से आपातकाल की आग में झुलस रहा था, उसी दौर में एक शख्स करोड़ों लोगों की आवाज बनकर इंदिरा सरकार से भिड़ गया था। ये शख्स थे समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। देश के रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस का 89 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे। देश में जब भी आपातकाल के काले दौर का जिक्र होगा तो हथकड़ी लगाए बुलंद हौसले के साथ आसमान की ओर उठा वो हाथ आपको याद दिलाएगा कि देश में जॉर्ज फर्नांडिस जैसा भी कोई नेता था। ये कहानी है उसी निडर, बेबाक और दूरदर्शी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की। बीस साल की उम्र में खुद को गरीब, मजदूर और आम आदमी से जोड़कर सियासत की पहली सीढ़ी चढ़ने वाले जॉर्ज फर्नांडिस का सियासी विद्रोह हमेशा चर्चाओं के केंद्र में रहा। जॉर्ज फर्नांडिस की कहानी में सब कुछ है, संघर्ष भी, ड्रामा भी, रोमांच भी, रोमांस भी, और राजनीति के लिए तो हमेशा से भरपूर स्थान रहा है। फर्नांडिस वक्त के हिसाब से खुद को ढाल लिया करते थे। जेल में रहकर विरोधियों के खिलाफ बिगुल बजाते रहना कोई जॉर्ज फर्नांडिस से सीखे। 70 के दशक में जब देश में आपातकाल लगा तो वो अंडरग्राउंड रहने लगे, लेकिन पकड़े गए तो जेल भेज दिए गए। चुनाव का मौसम आया, जेल के भीतर से ही हुंकार भरने की हिम्मत ने विरोधियों को पस्त कर दिया। फर्नांडिस ने चुनाव में जीत का पताका लहरा दिया था। जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म मैंगलोर में हुआ था। परिवार के सदस्य उन्हें प्यार से गौरी कहते थे। पढ़ाई लिखाई मैंगलोर से ही हुई। परिवार के लोगों ने धार्मिक शिक्षा के लिए बैंगलोर भेजा, तब वो सिर्फ 16 साल के थे। लेकिन 3 साल बाद वो घर छोड़कर भाग गए। सामान्य जिंदगी को चलाने के लिए होटल में काम करने लगे। 50 के दशक में फर्नांडिस राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आ गए। देश को आजाद हुए कुछ एक साल हुए थे। लोहिया से फर्नांडिस काफी प्रभावित हुए। कम पैसों में काम करने वाले मजदूरों के पक्ष में जॉर्ज खुलकर बोलने लगे थे। इसी साल उनकी पहचान मजदूरों के नेता के तौर पर होने लगी। फर्नांडिस एक दशक तक मुंबई में ही राजनीति करते रहे। फिर 60 के दशक में पहली बार चुनाव जीतकर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्य बने। इसके साथ साथ वो लगातार निचले तबके के लोगों के पक्ष में बात करते रहे। राम मनोहर लोहिया उन्हें प्यार से जॉर्ज के नाम से बुलाते थे। यही नाम बाद में सियासत की दुनिया में प्रसिद्ध भी हुआ। मुंबई में जॉर्ज का कद बढ़ता चला जा रहा था। 60 के दशक में लोकसभा चुनाव में संयुक्त सोशल पार्टी के टिकट पर कांग्रेस के सदशिव कानोजी पाटिल को भारी मतों से हराया। इसी हार के बाद पाटिल ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। साल 1974 में जॉर्ज ने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष बनने के बाद रेलवे के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल में रेल के कर्मचारियों के साथ साथ टैक्सी चालकों ने भी समर्थन कर दिया। 30,000 टैक्सी चालकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इमरजेंसी के दौर में जब जॉर्ज की गिरफ्तारी हुई तो कहा जाने लगा कि उनकी जान को खतरा है। कई देशों के नेता भी मानते थे कि इंदिरा गांधी से जॉर्ज को काफी नुकसान है। खैर, 1977 में आपातकाल खत्म हुआ तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने चुनाव जीता। जॉर्ज फर्नांडिस को मुजफ्फरपुर सीट से जीत मिली। जनता पार्टी की सरकार में वो इंडस्ट्री मंत्री बने। इसके बाद सियासत की पटरी पर जॉर्ज की राजनीति वाली रेल दौड़ पड़ी। 1980 में फिर से लोकसभा चुनाव में जीत मिली। फिर जीत हार के साथ आगे बढ़ते हुए जॉर्ज 80 के दशक में आखिरी के कुछ दिनों के लिए रेल मंत्री भी बने। इसी दौरान आजाद भारत का पहला रेल विकास हुआ। 90 के दशक में जब वाजपेयी जी की सरकार आई तो एनडीए गठबंधन बना। जॉर्ज को इसका संयोजक बनाया गया। 1999 में जनता पार्टी बट गई। जॉर्ज जेडीयू के साथ हो गए और समता पार्टी को जेडीयू से मिला दिया। जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए सरकार में 2 बार रक्षा मंत्री बने। उनके रक्षा मंत्री रहते ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। यह अलग बात है, पाकिस्तान को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी। देश की सियासत में तहलका रक्षा घोटाले के बाद जॉर्ज फर्नांडिस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में उन्हें यह पद फिर से मिला। वक्त के साथ साथ सिर्फ जॉर्ज फर्नांडिस की उम्र बढ़ी, खुददारी कभी कम नहीं हुई। समता पार्टी के सह संस्थापक नीतीश कुमार के साथ उनके मतभेद हो गए। 2009 में जेडीयू के टिकट से लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए। जॉर्ज फर्नांडिस ने बहुत सारे आंदोलन का नेतृत्व किया।
कई तरह के आरोप लगे, लेकिन अपनी सियासत को कभी टिकने नहीं दिया। 10 भाषाओं के ज्ञाता जॉर्ज फर्नांडिस अपनी पत्नी लैला से पहली बार दिल्ली में मिले थे। मिलने के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, फिर दोनों ने शादी की, लेकिन 80 में लैला और जॉर्ज अलग हो गए, जिसके बाद जया जेटली जॉर्ज की जिंदगी में आई। 2010 में जॉर्ज फर्नांडिस बहुत बीमार हो गए, जिसके बाद बाबा रामदेव के हरिद्वार वाले आश्रम में इलाज कराया गया। इसी दौरान लैला कबीर फिर से उनकी जिंदगी में वापस आ गई। फिर कुछ दिनों तक जया जेटली और लैला कबीर की वजह से जॉर्ज की जिंदगी में काफी उथल-पुथल।